आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट दही बड़े। तो देखिए कितने सॉफ्ट बनके मेरे दही बड़े रेडी हुए हैं फ्रेंड्स, और खाने में तो इतने स्वादिष्ट और ये हेल्दी भी होता है। तो एक बार से ज़रूर ट्राई करिएगा इसे बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इसे हम। तो हमने यहाँ पे ले लिया है उड़द, 5 से 6 घंटे भिगो के रख दिया था, उसे पीस लिया है। और यहाँ पे हमने उसमें हरा मिर्च और अदरक और काली मिर्च इसे भी हमने पीस लिया है, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। तो इसे पानी नहीं जाना है, पानी के बिना ही इसे पीसना है, एक बूंद भी फ्रेंड इसमें पानी नहीं जाएगा। और इसे अच्छे से पीस करके और एक बर्तन में इसे अच्छे से फेंट लेना है, और 5 से 7 मिनट के लिए इसे मिक्स करके ऐसे फेंटना है, और एक ही साइड में इसे फेंटते रहना है फ्रेंड्स, ऐसे ही घुमाना है एक साइड से, ताकि इसमें अच्छे से ये बैटर एकदम हल्का बन के रेडी हो जाए। जब आप इसे पीसोगे ना तो ये भारी भारी सा रहता है, लेकिन जब ऐसे फेंट लोगे या 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लोगे तो ये एक बैटर एकदम हल्का रुई जैसे बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए हमने एक साइड से ही इसे फेंटना है, चारों तरफ से आप ऐसे मिक्स करते जाइए, मिलाते जाइए और अच्छे से फेंट लीजिए। तो यहाँ पे बच्चा मेरा पानी ला के दे रहा था कि इसमें डालने के लिए, मैंने पानी मांगा था उसमें चेक करने के लिए कि मेरा बेटर रेडी हुआ है कि नहीं। तो देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा पानी में इसे छोड़ेंगे, तो देखिए मेरा बेटर बन के रेडी हो चुका है, ये पानी के ऊपर ऐसे तैर रहा है। अगर ये पानी के अंदर जाके बैठ जाता है ना फ्रेंड्स, तो इसका मतलब कि अभी थोड़ी देर के लिए आप इसे और अच्छे से फेंटना है आपको। तो हमारा बेटर बन के रेडी हो चुका है, मैं एक बार और पानी में आप इसे देखिए कैसे मैंने पानी के ऊपर ऐसे छोड़ दिया है और तैर रहा है, ये पानी के अंदर जाके बैठ नहीं जा रहा है। तो इसे हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये बनाने के लिए हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसे भी हम पानी से निकाल लेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एक बार और इसे गोल सा बना लेंगे ताकि ये फैला ना रहे। तो अब देखिए हमारे कढ़ाई में तेल गर्म हो चुकी थी, पहले से हम गर्म कर रहे थे, और इसे हाथ पे ले करके ऐसे गोल गोल सा बना करके बीच में इसे होल करके तेल के अंदर छोड़ देना है, और ये मीडियम आंच करके छोड़ना है। तो देखिए हाथ में हमने ऐसे पानी लगा लिया और इसे गोल सा बैटर को गोल सा बना लिया, और इसमें एक होल कर देना है इसे, और बाएं हाथ से फिर दाहिने हाथ में पलट करके इसे तेल के अंदर छोड़ देना है। तो ये अपने अनुसार आप बना सकते हैं, आप चाहे तो स्पून से आप गोल गोल ऐसे इसे बना सकते हैं, बट हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनता है। तो हमने एक ऐसे बेटर को गोल सा बॉल बना लिया है, आप अपने अनुसार बना सकते हैं छोटा बड़ा, और इसे देखिए ऐसे होल कर लेना है और दाहिने हाथ पे ऐसे पलट लेना है और तेल के अंदर इसे छोड़ते जाना है। तो ऐसे सारे बाड़ों को आप एक एक करके बना करके रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने मीडियम आंच पे इसे तल रही हूँ, बिल्कुल भी ये जलेगा नहीं फ्रेंड्स, और अंदर से अच्छे से पक जाता है। ये क्या होता है ना कि हाई फ्लेम पे आप इसे पकाओगे तो ये ऊपर से क्या होता है कि तुरंत ही जलने लगता है और अंदर से पकता नहीं है, वो कच्चा रह जाता है। तो इसे मीडियम आंच पे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट बहुत ही अच्छे से ये बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए कितने अच्छी एकदम दही बड़े मेरे बड़े बड़े से बन के रेडी हो गए हैं, और इसकी साइज भी बड़ी हो गई है, कितने अच्छे एकदम हल्के हल्के बन के, जैसे देखने में ही लग रहा है ना कि एकदम सा हल्का है ये बड़ा। तो इसे हम अच्छे से पलटते जाएंगे और मीडियम आंच पे ही फ्रेंड्स पकाना है, वरना ये तो बहुत ही जल्दी रेड हो जाता है और ऊपर से रेड दिखने लगता है, ऐसे लगता है जैसे पक गया हो और अंदर से वो कच्चा रह जाता है। तो इसे पलट पलट करके दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है, ताकि अंदर तक एकदम अच्छे से पक जाए। देख सकते हैं हमने यहाँ पे मीडियम आंच करके इसे पलटते जाना है। तो अब हमारा एकदम से रेडी हो चुका है, रेड हो चुका है, इसका कलर एकदम देख रहे हैं, कलर एकदम अलग आ चुका है। तो इसे हम जलाएंगे नहीं, निकाल लेंगे। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं, और साइड में हम गर्म पानी करने के लिए रख दिया है, तो उसे गुनगुना पानी करना है हमें, और ऐसे ही एक एक बाड़े को हमें फिर से छोड़ते जाना है। ये बहुत ही आसान होता है फ्रेंड्स, आप एक बार में ही इसे बना लोगे अगर इस ट्रिक से बनाओगे तो, और खाने में तो इतना स्वादिष्ट होता है और हेल्दी भी होता है फ्रेंड्स। ये पेट के लिए दही बड़ा बहुत ही अच्छा होता है, हर कोई पसंद करता है इसे खाना। तो उसी की रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आप लोग के यहाँ इसे क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इसे दही बड़ा बोलते हैं, बहुत लोग इसे दही भल्ला बोलते हैं, बट मैं तो इसे दही बड़ा ही बोलती हूँ। हमारे यहाँ सभी लोग इसे दही बड़ा ही बोलते हैं। तो एक एक करके इसे पलट लेना है और साइड साइड से जो जगह बचे ना उसमें डालते जाना है। तो हमने यहाँ पे सारे बड़ों को रेडी कर लिया है और गुनगुने पानी में हमने इसमें नमक और हींग छोड़ दिया है। देखिए इसमें हम हींग की पानी में अब इसे भिगो देना है। आप चाहे तो बेटर में भी नमक नहीं डालना है, बेटर में आप हींग ऐड कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे हींग की पानी में भिगो दिया है। इससे क्या होता है कि पानी अंदर तक जब जाता है ना तो बहुत ही अच्छे इसमें हींग की खुशबू आती है और दही बड़े में हींग तो जाना ही जाना है। और इसमें हम काला नमक ऐड कर लेंगे। तो हींग और काला नमक की पानी में हम इसे भिगो करके 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छे से सारा पानी सोख ले और एकदम सॉफ्ट हो जाए। और उसे हमने निकाल करके अब एक दही में भिगो दिया है उस सारे बड़े को। तो देख सकते हैं हमारे बड़े कितने बड़े बड़े से फूल के रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। और दही आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा, मेरा खट्टा दही नहीं था, ये मीठी दही है मेरे पास, तो हमने उसमें ही भिगोया था। अगर दही में थोड़ा सा खट्टापन हो तो और अच्छा इसका स्वाद बढ़ जाता है फ्रेंड्स। तो आप दही अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी। तो हमने यहाँ पे दही की पानी में अब इसे भिगो के रख दिया है। ये 2 से 3 दिन तक आराम से चल जाता है फ्रेंड्स इसे। अब यहाँ पे हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। जो हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ये चाट मसाला है और ये भुना हुआ काला जीरा है और इसमें हम सारे मिक्स कर लेंगे। ये इतनी टेस्टी लगता है फ्रेंड्स कि क्या ही मैं बताऊँ। आप लोग एक बार ज़रूर इसे बनाइएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो हमने यहाँ पे सारे दही बड़ों को मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब एक प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं खाने के लिए। तो हमने एक प्लेट में इस बड़े को निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी मेरी बड़े एकदम डबल बन के रेडी हो चुके हैं, जितना मैं बनाई थी उससे डबल डबल हो चुके हैं। और इसमें हम थोड़ा सा ये दही भी डालेंगे। अगर ये बड़े ख़त्म हो जाते हैं तो ये दही भी बहुत ही यम्मी लगता है पीने में। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा और जीरा पाउडर, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला मैं अपने लिए रेडी कर रही हूँ और भी चटपटा खाने के लिए। आप अपने अनुसार इसे बना सकते हैं, मसाले कम बेसी कर सकते हैं। तो देखिए मेरे दही बड़े बन के रेडी हो चुके हैं और देखिए कितने सॉफ्ट बन के रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये एक बार में हल्का सा इसको स्पून से आप तुरंत कट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा और दही अपने लिए ऐड कर लेंगे, क्योंकि मुझे लगा दही थोड़ी सी कम है। तो मैं अपने अनुसार ही प्लेट बना रही हूँ और इसमें थोड़ा सा हम काला नमक ऐड कर लेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।